और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ऐसे में हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने उनसे खास बातचीत की है, देखिए। बड़ौदा के इस रण पर चर्चा के लिए हमारे साथ है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी। चौटाला जी, आपने अब तक कई गांवों का दौरा करा, उसके बाद आप यहां पहुंचे। सबसे पहले तो आप किस तरीके का माहौल अब देख रहे हैं? बीजेपी जेजेपी को लेकर के कांग्रेस के द्वारा बार बार किसानों के मुद्दे पर निशाना साधा जा रहा है। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि जिस तरह का जोश, जिस तरह का प्यार बड़ौदा के लोग दे रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि यहाँ की जनता भारी बहुमत के साथ भाई योगेश्वर को चुनाव जिताएगी और अपना विधायक चुनेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि योगेश्वर जहाँ देश का नाम रोशन कर कर आया, आज इतनी पहुँच रखता है कि वो चाहे राष्ट्रपति के दफ्तर में जाना हो, चाहे प्रधानमंत्री के दफ्तर पर जाना हो, वो बिना किसी की उंगली पकड़े पहुँच सकता है। महाराज, कांग्रेस का उम्मीदवार तो ऐसा है, शायद उसको अगर डी पार्क भी जाना पड़े रोहतक के अंदर, तो भी किसी बाबू बेटे में से एक उंगली पकड़ के जाना पड़े। और उस चीज़ को देखते हुए समझते हुए यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि हमारे संयुक्त उम्मीदवार को भारी बहुमत से बड़ौदा से जिता। किसानों के मुद्दों की वो बात कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि 5 तारीख के बाद एक तो प्राइवेट मेंबर जो बिल है वो लेकर के आएंगे विधानसभा के अंदर। वो कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि जेजेपी बीजेपी भी उसका समर्थन करे, बार बार किसान विरोधी सरकार बता रहे हैं। जेजेपी को भी कांग्रेस इतनी किसान हितैषी है तो सबसे पहले तो कांग्रेस को पंजाब के बिल के अंदर हर तरह की फसलें डलवानी चाहिए थी। वो तो किसान के साथ धोखा है, जान लिख दिया सिर्फ पैडी पे और वीट के ऊपर MSP दी जाएगी। आज हरियाणा पे तो मक्के पे भी मिल रही है, बाजरे पे भी मिल रही है, कॉटन पे भी मिल रही है, और तो और हमने कल ये निर्णय लिया है कि हम मूंगफली को भी MSP के माध्यम से खरीदेंगे। जिस तरीके से किसान हरियाणा के अंदर अपनी फसल बेच पा रहा है, उसके खाते में पैसा आ रहा है, मुझे लगता है इतिहास में कभी पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसी सोच के लोगों ने ये कदम नहीं उठाने दिया। हमने कर दिखाया और आज उसका लाभ किसान को पूरी तौर पर मिला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये भी कह रहे हैं कि बड़ौदा का चुनाव का जो नतीजा होगा वो चंडीगढ़ की कुर्सियां ही लाएगा, कांग्रेस सत्ता में आएगी। यही बात अभय चौटाला कह रहे हैं कि राज बदल के दिखाएंगे इसी चुनाव से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो चाहे इनेलो, मैथमेटिक्स सबकी कमजोर है। 47 विधायक चाहिए राज चलाने के लिए, आज हमारे गठबंधन के बाद 57 है। मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि उनके 1 से या उनके 30 से राज पलटेगा कैसे? मजबूती के साथ ये सरकार 5 साल चलेगी, 1 साल